कहिए महाराज, बड़े गजब की बात है। क्या हुआ? मैत्र नेत्र ने मारी, मैत्रानी जान से मारी। अच्छा, उसका खाना नसीब नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ? नहीं महाराज। आज प्यारे भाइयों, जब राजा प्रथम को यह खबर मिली कि भोजन प्राप्त नहीं हुआ, हाँ भैया एक बड़ा सूचना है मालिक साहब से, रुपया है चाहे रुपया को आकर हम लोग को भी सब करना है, न पानी का मंगाए दो पीने का। मास्टर साहब कि मेरे रहने से अगर और प्रजा को है तो सुबार, मेरा इस नरवर में अब रहना है बेकार। आज प्यारे भाइयों, राजा प्रथम अपने हाथी को वापस करते हैं और मंत्री हाथी को ले जाता है। राजा प्रथम अपने रणवासन में चले जाते रंग महलों में और सौ रानियों से किस तरीके से वार्तालाप होता है। अच्छा मालिक साहब आ जाओ, भैया से मिल लो, भैया से। आज रानी सुरजा, चंद्रकला, चंद्र प्रभा सभी मिलने आती हैं। सौ रानियां मिलने के बाद राजा प्रथम अपने सर्वप्रथम रानी मंजा के पास पहुंचते हैं। प्यारे भाइयों, और किस तरीके से रानी मंजा से बातचीत होती है। ये हमारा कार्यक्रम आर के स्टूडियो कुरावली चैनल पर देखें, जिसके प्रोपराइटर हमारे मुकेश भैया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे रानी मंजा, हे पति महाराज, किया बत देखे पीनार नोट पलक नभाया, ले पंखा कबार सत धर्म निवार, सात के बरस में उपजी पपिया की प्यासा, पत के दर्शन भय भई मेरी पूर आशा। महाराज कहो, हमें एक बात बताओ पति महाराज। हाँ, जब भी हमारी मोहल्ले में आते थे, हंसी खुशी से आते थे, आज ऐसी कौन सी बात होगी महाराज? मास्टर
रानी। ए पति महाराज, आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? हम और हमारा मंत्री शिकार खेलने जा रहे थे, इधर जात के मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, जैसे ही हमारे मुखारविंद को देखा, कहा ये नरवंशी राजा है। जात की मेहतरानी की ये बात सुनकर के कहा कि इसका मुख देखने से भोजन प्राप्त नहीं होता है, भोजन की सारी व्यवस्था की मंत्री द्वारा, लेकिन विधि का विधान था, शुक्र शनिचर मेहमान बन के आ गए और सारा भोजन खा गए, लेकिन मैत्रानी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। बोल जान गोली सी मंझा लग गई है सीना पर, और कलेजा चीर कैद कर गई है ढुलक आपार, इसलिए हमने सोचा अब नरवर शहर में रहना बेकार है मेरा, राजपाट को छोड़ करके छोटा कमंडल लेकर के तपोवन चला जाऊंगा, जब प्रजा दुख के मैं नरवर में नहीं रहूंगा। 100 रानियों के मिलने पास गए, 100 ने आदेश दे दिया, कहा कि आप जीत जा सकते हो, लेकिन आप हमारी सर्वप्रथम प्रिय रानी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आपका क्या कहना है? अरे चिट्ठी आ जाना होती मेरा बलमा खोले के सुना, अरे पीतर जाना होती नरवरिया में पाई बतलाती, सिटी हमारा भैया दादी सिटी मत करो,
किस्मत की बात है रानी, इसमें न तुम्हारा दोष है न हमारा दोष है। राम ता बनाएगी रानी ता बन जाएगी, राम ता बनाए ढुलकिया ता बन जाएगी, और बिगड़ी बनत ता बनत रे मेरी बन जा। इसलिए आपसे मेरा कहना है, हम तपो बन जा रहे हैं। सौ रानियों ने कहा कि आप जा सकते हो, आपका क्या कहना है? अरे संग रे चलेगी अवल में अजय पहलवानी, अजय मालूम है वहां पर बहुत मुसीबत होगी। आप रंग महलों में रहते हो, राष्ट्रीय वस्त्र पहनते हो, वहां पर ककरीली जमीन होगी, कांटों की चुभन होगी, भारी धूप होगी, आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करोगी वहां पर? पति महाराज हाँ तुकतारे परेंगे पिया में तुकता जेले, प्यारे भाइयों सौ रानियों ने कह दिया आप जा सकते हो, लेकिन पतिव्रता धर्म कुछ होता है। रानी मंजा ने कहा आपके साथ चलेंगे, कितनी भी मुसीबत हो एक पल के लिए तुमसे दूर नहीं रहेंगे। यही पतिव्रता की रे पानी, बिना पति के नहीं पिएगी नरभर में पानी। स्वर जैसा राज छोड़ करके अपने पति के साथ बन जाने को तैयार है। बारी रहे वो मरिया की रानी कस्बा नरवार में, और तुम्हारा चल जाएगो जुगन तो जुगन लोना। आगे है 50 रुपए रूपलाल भैया दे रहे हैं, इसी भोज निवासी पार्टी को धन्यवाद दे रही है। हमका नवाबगंज से आइए मास्टर चिनर रणी
चंगा राज। हेलो ऐसे ही बात लगा रहे हो पीले पे बैठ जाओ ऐसे ही बात हां तो बोलो बोलो हेलो हेलो वाओ कथा राव ने कृपा करे ना बात ही इन्हें भैया कन्या उड़ा दो इन्हें